तो हे कबड्डी दोस्तों, स्वागत हमारे कबड्डी ड्रीम इन्फॉर्मेशन चैनल पर। तो जैसा कि एक्शन खत्म हो चुका है और सभी प्लेयर बिक चुके हैं, तो आपको उस कैटेगरी सी के प्लेयर के बारे में बताते हैं जहां पर कौन से प्लेयर किस टीम में गए हैं। तो सबसे पहले प्लेयर यहां पर रेजा हैं, जो कि जयपुर पैंथर, इन्होंने 26,80,000 देकर अपनी टीम में शामिल किया जयपुर पैंथर की। वहीं दूसरे प्लेयर मोहम्मद इस्माइल है, मोहम्मद इस्माइल पर FBM कार्ड दिखाकर हरियाणा स्टील ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसके बाद राहुल हैं, राहुल को 10,00,000 देकर बेंगलुरु बुल्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया, जो कि एक नए प्लेयर हैं। उसके बाद बात करते हैं विनोद, जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, इनको 10,00,000 देकर अपनी टीम में बंगाल वेरी ने शामिल कर लिया है। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करते हैं तो अकरम है, अकरम को 32,10,000 देकर गुजरात जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। वहीं पर आशीष सागवान है, आशीष सागवान को 10,00,000 देकर बंगाल वेरियन ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसके बाद बात करेंगे अगले प्लेयर यहां पर गुरदीप हैं, जो कि यूपी योद्धा की तरफ से खेलते थे। यूपी योद्धा ने फिर से एक बार अपनी टीम में शामिल कर लिया 10,00,000 देकर। वहीं बात करें सचिन नरवाल की, सचिन नरवाल बेंगलुरु बुल्स में चले गए हैं, जो कि जयपुर पैंथर की तरफ से खेलते दिखाई देते थे। इनको 10,00,000 देकर बेंगलुरु बुल्स की टीम अपनी टीम में शामिल कर लिया। वहीं हामिद की बात करें तो हामिद को 10,10,000 में तेलुगु टाइटंस की टीम ने शामिल किया अपनी टीम में। उसके बाद बात करते हैं नीरज नरवाल की, नीरज नरवाल को 43,00,000 देकर बड़ी कीमत में शामिल की है बेंगलुरु बुल्स की टीम अपनी टीम में। उसके बाद बात करते हैं अगले प्लेयर की, अगले प्लेयर शुभम सिंह हैं, 20,30,000 देकर बंगाल वेरियन ने अपनी टीम में इनको शामिल कर लिया है। उसके बाद रविंदर पहर की बात करते हैं, रविंदर पहर पर 23,00,000 की बोली लगी, जहां पर तेलुगु टाइटंस ने 23,00,000 की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसके बाद बात करते हैं बलदेव सिंह की, बलदेव सिंह 21,50,000 में गुजरात जायंट्स की तरफ से खेलते दिखाई देंगे, गुजरात जायंट्स ने शामिल कर लिया अपनी टीम में। उसके बाद बात करते हैं आदर्श टी को 10,00,000 FBM कार्ड से रिटर्न कर ली तेलुगु टाइटंस की टीम। वहीं बात करें अगले प्लेयर यहाँ पर अमित हुड्डा हैं, अमित हुड्डा को 10,00,000 देकर दमन दिल्ली की टीम ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। वहीं बात करें अगले प्लेयर हरेंद्र कुमार हैं, हरेंद्र कुमार को 20,00,000 देकर FBM कार्ड से रिटर्न कर ली युवा की टीम। वहीं बात करें अगले प्लेयर तो जयदीप हैं, जो कि 10,00,000 देकर यूपी योद्धा ने अपनी टीम में इनको शामिल कर लिया है। वहीं बात करें अगले प्लेयर तो अगले प्लेयर सुरेंद्र नाडा हैं, सुरेंद्र नाडा भी ज़्यादा महंगे नहीं बिके, 10,00,000 देकर बंगाल वेरियन ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। बात करें अमित शिवरान को, जो कि बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, इनको 10,00,000 देकर बंगाल वेरियन ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। बात करें अगर संदीप खंडोलो, जो कि बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, 20,00,000 देकर गुजरात जायंट्स ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, यहां पर शामिल कर लिया गुजरात जायंट्स ने। वहीं बात करें रिंकू बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, इनको भी 40,00,000 देकर गुजरात जायंट्स ने शामिल कर लिया अपनी टीम में, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं बात करें प्रवीण तो 10,00,000 में बिके, बंगाल वेरियन ने इनको शामिल कर लिया अपनी टीम में। उसके बाद अगले प्लेयर पर नज़र डालते तो अगले जेम्स प्लेयर हैं, जो विदेशी प्लेयर हैं, इन पर 10,00,000 देकर यूपी योद्धा ने फिर से एक बार शामिल कर लिया अपनी टीम में। वहीं बात करें असलम की, असलम 10,00,000 देकर इनको शामिल कर ली है बंगाल वेरियन की टीम, जो कि एक नए खिलाड़ी हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले प्लेयर की, अगले प्लेयर यहां पर डोंग जियो ली हैं, 20,00,000 देकर इनको गुजरात जायंट्स की टीम अपनी टीम में शामिल कर ली है। केपर पंजे भी बहुत महंगे नहीं बिके, 10,00,000 देकर हरियाणा स्टीलर ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। बात करें अगले प्लेयर तो रतन, जो कि इनको 10,00,000 देकर यूपी योद्धा की टीम अपनी टीम में शामिल कर ली है। अगले प्लेयर को नज़र डालते हैं तो भवानी राजपूत हैं, जिन पर 10,40,000 की बोली लगाकर जयपुर पैंथर ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अगले प्लेयर महेंद्र राजपूत हैं, महेंद्र राजपूत को गुजरात जायंट्स ने अपनी टीम में फिर से एक बार शामिल कर लिया 10,00,000 देकर। वहीं बात करें जय भगवान, जो कि युवा कबड्डी सीरीज में हमें दिखने को मिले थे, इनको 10,00,000 युवा की टीम ने शामिल कर लिया 10,00,000 देकर। उसके बाद बात करते हैं नवनीत को 10,00,000 देकर जयपुर पैंथर की टीम ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। उसके बाद गुलवीर को एक बार फिर यूपी योद्धा की टीम अपनी टीम में शामिल कर ली है, जहां पर इन पर प्राइज पूल 10,00,000 लगाकर। वहीं बात करें अगले प्लेयर को तो अगले प्लेयर मनीष गुलिया है, जो कि हरियाणा स्टीलर ने इन पर दाव लगाकर 10,00,000 का दाव लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया, जो कि युवा कबड्डी सीरीज में हमें देखने को मिले थे। वहीं राहुल चौधरी की बात की जाए, राहुल चौधरी इस बार जयपुर पैंथर की तरफ से खेलते नजर आने वाले हैं। वहीं नितिन चंदेल हैं, जो कि 19,00,000 देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और भी प्लेयर हैं, लेकिन मैंने इन्हीं प्लेयर पर वीडियो बनाया है, तो और भी प्लेयर बचे हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।